फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, इधर फंक्शन दिया गया है इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एस बाय ए, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन पार्ट इज ए, नाउ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एस बाय ए, हमको एफ ऑफ टी फाइंड करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाद में माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फाइनली हम इनवर्स लैपलेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एफ डैश बार ऑफ एस इज इक्वल टू, एंड इसका आ जाएगा माइनस वन बाय वन प्लस एस बाय ए होल स्क्वेयर, अगेन एस बाय ए डिफ्रेंशिएट किए तो हमको वन बाय ए आएगा, ओके ठीक है। आपको पता होगा स्टैंडर्ड फार्मूला, डी बाय डी एक्स इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का आता है माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर आता है, ठीक है। एस का मतलब है एस बाय ए है, ठीक है। नाउ इसके बाद माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारी मल्टीप्लाई में माइनस साइन, माइनस एफ डैश ऑफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल प्लस हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। इधर देखिए ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ऊपर लेंगे, ए स्क्वेयर एंड ए कैंसिल, ओन ए कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग ए बच जाएगा, ठीक है। फाइनली हम इधर बोथ साइड यू अप्लाइंग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ए हो गया माइनस इनवर्स लैपलेस माइनस एफ डैश बार ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ऑफ ए बाय, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर करके भी लिख सकते हैं। ये वन टाइम डिफ्रेंशिएट है, माइनस भी है, हम इसको टी इंटू एफ ऑफ टी करके लेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन ए टी, देयरफॉर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो गया साइन ए टी डिवाइड बाई टी हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड है एफ ऑफ टी। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको दूसरे वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।